ये देखिए, ये मशीन है, कोई भी इस टाइप का मशीन अगर काउंटिंग एरर आता है, 500 का नोट 200 का आता है, तो आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, ये हैंडल है, हैंडल ऊपर करना है, पहले मशीन बंद कर लीजिए, हैंडल ऊपर करना है और ये ऐसे ऊपर उठाना है, ये उठाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, इसको आप बाहर निकाल दीजिए, 1 2 3 4 जहाँ पर ये लॉक हो जाएगा तो ये वापस वहीं पर लॉक होता है। फिर आपको क्या करना है, इसमें एक नंबर का बटन है यूवी, यूवी दबा के चालू करना है मशीन, ये दबाइए एंड पीछे से चालू करिए, चालू करेंगे तब तक दबा कर रखना है जब तक ये पूरा लाइन कंप्लीट ना हो जाए। ये देखिए अभी छोड़ना है, डीबग मोड जब आया तो छोड़ देना है। ठीक है, बाद में इस तरह का एक 4x6 का पेपर लेना और उसके अंदर डालना है। ये देखिए यहाँ पर डालिए और ये रोलर के थ्रू से ऐसा ना चाहेंगे तो नीचे तक आ जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक आना चाहिए, ये रोलर के नीचे तक आना चाहिए, तो सेंसर से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, ऑलमोस्ट इतना आना चाहिए। फिर आपको ये बैच है, बैच को लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो LED 1 आएगा, छोड़ देना है, फिर एक बार फिर लॉन्ग प्रेस करना है, LED 2 और 0 आ जाएगा, फिर छोड़ देना है, जब 0 हो जाए, LED 0 हो जाए तो छोड़ देना है। फिर 3 बीप आएगा, 3 बीप होने के बाद कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, देन मशीन ऑफ करिए एंड ऑन करेंगे तो ये पेपर बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस इसको सेम जैसे खोला था आपने वैसा बैठा दीजिए, ये चारों जो पिन है, ये कट वाला जो मार्क है, यहाँ से आप बैठा देंगे, एक कैलिब्रेशन तो। थैंक यू।